गुड मॉर्निंग साथियों, ये रीट का पेपर है और ये पेपर हुआ था, ये सेकंड लेवल का पेपर है और 2021 का पेपर है। अब इसमें ये लेवल टू का है और इसकी इसमें हम साइको का पेपर देखेंगे। हम सबसे पहले हम साइको का पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA/CA, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, क्रॉनिकल एज। 14/13 × 100 तो 107.69 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था पावलोव ने दिया था, इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण है तो माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। तो यह बाल अपराध का कारण हो जाएगा माता पिता में अनबन रहना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन ए में अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, ये भी दिया गया है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये भी है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है RTE 2009 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो शोध को बोलते हैं हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं और रिसर्च भी कहते हैं। तो जो शोध का चरण है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, उपकल्पनाओं का निर्माण करना, सामान्यकरण और साहित्य का पुनरीक्षण। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन ए है, तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना और ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। निरंतरता के सिद्धांत से, अंतर संबंध के सिद्धांत से, अन्योन क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह जो विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, आजीवन चलता है। तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो इसमें तीन तो बुद्धि घटक होंगे और एक बुद्धि घटक नहीं होगा। तो तार्किक चिंतन करना, ये बुद्धि घटक है। व्यावसायिक रुचियां, स्मृति बुद्धि पे है। अनुभवों से सीखना, ये भी क्या बुद्धि
बुद्धि से है। अनुभव कहाँ से आएंगे, बुद्धि में जाएंगे। तो व्यावसायिक रुचियां ये बुद्धि का घटक नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। तो मनोगत्यात्मक का मतलब होता है कि जो मन से जो शरीर क्रिया करता है, शरीर की क्रिया जब मन से होती है तो उसको मनोगत्यात्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखो, सोचना, तो सोचने में सिर्फ मानसिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया नहीं होती। लिखना, गेंद फेंकना और खेलना, तो लिखना भी क्या है, एक शारीरिक क्रिया होती है, हाथ से लिखते हैं, गेंद फेंकते हैं, हाथ से लिखते हैं, शरीर क्रिया होती है। खेलना, खेलते हैं तो भी शारीरिक क्रिया होती है। तो सोचना क्या है, एक मनोगत्यात्मक क्रिया नहीं है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी। तो 16 PF का मतलब होता है पर्सनलिटी फैक्टर, यानी व्यक्तित्व कारक। तो 16 व्यक्तित्व कारक दिए थे, कैटल ने दिए थे, और इन 16 कारकों से व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। और ये जो 16 कारकों में जो कारक ज्यादा, तो इनके दो दो परिणाम आते हैं, एक सकारात्मक आता है, एक नकारात्मक आता है, यानी कि तो इस तरह से जो 16 कारक दिए थे ये कैटल ने दिए थे, आरबी कैटल ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, यानी गिफ्टेड लर्नर्स की है। तो गिफ्टेड लर्नर की विशेषता बतानी है, तो इसकी चार ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ते हैं। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा सही है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से जो पहला ऑप्शन है, यही प्रतिभावान शिक्षार्थियों के लिए है कि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित होगा और अनुभव और वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो इसके चार ऑप्शन है, एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का मतलब है कि जो विद्यालय है उसमें कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। तो शामिल करना है, तो शामिल करना है, तो इसका सकारात्मक परिणाम बताना है हमें। तो देखो, पहले में कि एक अवास्तविक लक्ष्य है, तो अवास्तविक लक्ष्य तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगीण विकास की जो शिक्षा है, तो बालक में क्या होता है, जो अधिगम अक्षम वाले बालक होते हैं उनको शामिल करना ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि समावेशी शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा में सभी को, ये सरकार का रूल है, नियम लागू कर दिया गया समावेश शिक्षा का। तो इसमें, तो इसके जो सकारात्मक परिणाम बताने, तो एक अवास्तविक लक्ष्य है तो ये भी गलत हो जाएगा, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा तो ये भी क्या है, सही नहीं है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है तो ये हो जाएगा, और जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक, तो हानिकारक नहीं हो सकता, तो इसके लिए उचित ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान नहीं है, तो समस्या का समाधान करने वाले चार ऑप्शन है, इसमें तीन ऑप्शन समस्या का समाधान करने वाले होंगे और एक समस्या को समाधान नहीं करेगा। तो लक्ष्य उन्मुखी, तो समस्या का जो समाधान होता है तो गोल डायरेक्टेड, यानी लक्ष्य की ओर जाता है।
एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, तो ये भी लक्ष्य में किया जाता है, समस्या के समाधान में आता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, तो संगीत संबंधी योग्यता है ये समस्या समाधान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट एंड टीएटी को व्यक्तित्व को मापने की विधि है, तो ये कौन से व्यक्तित्व को मापती है? तो इसके चार ऑप्शन है, आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है और प्रयोगात्मक विधि है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध विधि का मतलब होता है कि कोई प्रसंग दे दिया जाता है तो इसमें कार्ड का प्रयोग किया जाता है टीएटी में। इसमें 31 कार्ड होते हैं और 31 कार्डों में से प्रत्येक कार्ड को दिखाया जाता है और कहानी लिखवाई जाती है। तो एक तरह से ये क्या तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि, तो देखो ये आत्मनिष्ठ विधि का भी थोड़ा थोड़ा आता है क्योंकि इसमें बालक की भावनाएं लिखाई जाती है जो उसके अंदर मन में क्या है। वस्तुनिष्ठ विधि तो ये नहीं हो सकती, प्रयोगात्मक विधि नहीं होती और ये प्रक्षेपीय विधि, तो ये दोनों ऑप्शनों में से सबसे उचित जो है वो प्रक्षेपीय विधि है क्योंकि इसमें बालक से कहानी लिखाई जाती है, तो इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, तो क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है कि उसकी सोच को फैलाना, तो उसकी जो सोच विस्तृत होगी तो उसमें सृजनात्मकता आएगी। तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि विस्तृत सोच का होना और अभिसारी का मतलब होता है संकीर्ण सोच का होना या छोटी सोच का होना। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ ये होता है कि इसमें बालक को ही महत्व दिया जाता है। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है वो देखते हैं। बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, तो ये भी गलत है, रटने में आता है, ये भी नहीं होगा। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, तो स्वतंत्रता देना भी बिल्कुल सही नहीं है पूर्ण रूप से। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, तो नैतिक शिक्षा देना भी ये भी उचित नहीं है। और बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इस तरह के जो ऑप्शन दिए जाते हैं तो इनमें सबसे उचित विकल्प का चयन करना होता है, तो इसमें चारों में सबसे उचित है ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कि रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है, तो रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग, इसके चार ऑप्शन है, व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यानी बुद्धि के मापने के लिए रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोट्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, तो वाइगोट्स्की ने सिद्धांत दिया था कि इसने क्षेत्रक सिद्धांत दिया था कि अधिक अनुभवी के संपर्क में जब कम अनुभवी व्यक्ति आता है तो वह सीखता है। तो वाइगोट्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, तो इसके चार ऑप्शन है, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है उससे, परिपक्व होने से। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से कम अनुभवी सीखता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम
सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो बिनी साइमन में बुद्धि परीक्षण है, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। तो बिनी महोदय ने बुद्धि परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक के उत्थान के लिए कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो पढ़ाने की धीमी गति, ऑप्शन में देखते हैं, पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। तो देखो, पढ़ाने की धीमी गति ये भी गलत है, उन्हें दंड देना ये भी गलत है, कि प्रतिभाशाली बालक तो इंटेलिजेंट होते वैसे ही, उन पर ध्यान नहीं देना। तो ध्यान तो देखो सभी बच्चों पर दिया जाना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। तो विशिष्ट कक्षा एवं प्रोत्साहन, तो उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, मोटिवेशन किया जाना चाहिए प्रतिभाशाली बालकों को, और विशिष्ट कक्षाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वो उनका उत्थान हो सके। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो जो प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या है वो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं आरटी 2009 में, और इसमें उसके तैयार होने का समय भी शामिल है, यानी कि विद्यालय पहुंचने का समय भी इसी में शामिल है 45 घंटे में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो विद्यार्थी की जो संवेगात्मक समस्या है, जो मानसिक समस्या है, उसके कारणों को पहचानना वे उनको दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाएगा? तो यह चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान। तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में किया जाता है, इसका प्रयोग तत्काल समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो यहाँ देखते हैं चार ऑप्शन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था ये, थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, और क्रिया और चूहे पर भी था ये प्रयोग, तो जो परिणामों से सीखता है। तो देखो, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसमें अचानक से बालक सीखता है, यानी कि चिंपांजी सीखता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो इसमें उद्दीपक से सीखता है शास्त्रीय अनुबंधन में। और संज्ञानात्मक सीखना, तो संज्ञानात्मक सीखना भी क्या होता है, इसमें जो क्रियाएं होती है, यानी जो बाहरी जो क्रियाएं होती है उनसे सीखता है, तो इसमें उद्दीपक होता है, क्रिया होती है। तो इसमें जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा, यानी कि परिणामों द्वारा सीखना, तो इसमें परिणाम मिलते हैं और परिणाम से बालक मोटिवेट होकर के सीखता है। नेक्स्ट है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है? तो जो वर्तमान स्कीमा का मतलब होता है मानसिक चित्र। तो जो मानसिक चित्र का प्रयोग जब हम बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहते हैं। तो इसमें ये होता है, जैसे स्कीमा हमारे पास है उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और बाह्य जगत का विश्लेषण किया है, तो इसमें हम चारों ऑप्शन देखते हैं। पहले तो आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन और संतुलन। तो इसमें जो सबसे उचित है वो हैगा आत्मसातीकरण, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि जब हम अपनी जो मानसिक जो चित्र बना हुआ है उसी का प्रयोग हम समस्या के समाधान के लिए कर देते हैं, तो अपने चित्र में कोई
चित्र को बदलते नहीं है जबकि उसमें नई चीजें जोड़ देते हैं, तो उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। और संधानीकरण में क्या होता है कि जब हम कोई जब हम बाह्य जगत के साथ में कोई संतुलन स्थापित करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे मन की जो मन में जो चित्र बने हुए हैं उनको हम बदल लेते हैं और दूसरों के नए स्कीमा को बना लेते हैं। जब हम कोई बाह्य जगत का विश्लेषण करते हैं तो उसको हम संधानीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो प्रक्षेपीय परीक्षण यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्ति व्यक्ति परक प्रत्यक्षण और वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो प्रक्षेपीय परीक्षण में देखो, अस्पष्ट उद्दीपक में क्या होता है कि इसमें उद्दीपक दिया जाता है और फिर उससे हम समस्या का समाधान करते हैं। फिर अनुक्रिया की स्वतंत्रता है, देख करके जो अनुक्रिया करते हैं, और व्यक्ति परक प्रत्यक्षण। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ये प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु चार परिस्थितियां आवश्यक है और इन परिस्थितियों का सही क्रम है। तो अल्बर्ट बांडूरा के अनुसार तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सही क्रम है वो होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। अवधान, धारणा। अवधान का मतलब ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करने के बाद में उस क्रिया को ग्रहण करना, आत्मसात करना, फिर उसका पुनरुत्पादन करना, यानी कि उसको पुनः से उस क्रिया को दोहराना। जो पहले हमने क्रिया देखी थी वो कैसे हुई थी उसी को हम फिर से करके देखते हैं, तो उसको पुनरुत्पादन करना। फिर अनुप्रेरणा, अनुप्रेरणा का मतलब होता है कि मोटिवेट होना। जब क्रिया हमारी सही हो जाती है तो उसको हम मोटिवेट होते हैं कि जो हमने क्रिया की है वो सही हुई है, जो हमें पहले मिली थी उस सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। तो ये अल्बर्ट बांडूरा के थे, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है, व्यक्तिगत अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीक और साक्षात्कार। तो अचेतन मन को का विश्लेषण करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है ऑप्शन बी, यानी स्वप्न विश्लेषण विधि। तो स्वप्न में क्या होता है, हम जब रात को स्वप्न देखते हैं तो हम उनको दिन में नहीं बता सकते, जो हमने जो स्वप्न देखे हैं वो हमारे अचेतन मन में चला जाता है। तो अचेतन मन में जो गई हुई बातें हैं जब उनको हम बार बार याद करते हैं तो बाहर आ जाती है। तो स्वप्न विश्लेषण अचेतन मन की विशेषताओं ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि बताई है सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ADHD का अर्थ है। तो इसमें चार ऑप्शन है, बातचीत कठिनाइयों वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक और ध्यान विकार वाले बालक। तो ADHD का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक। तो जिनका ध्यान केंद्रित नहीं होता उनके लिए ADHD का विकार पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। यानी क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं कि एक परीक्षण जो व्यक्ति की एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करता है, यानी किसी व्यक्ति की विशेषता और कमियों को जो व्यक्त करता है उस परीक्षण को क्या कहते हैं, जो उसकी कमियों को बताता है। तो यह चार ऑप्शन है, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण,
उपलब्धि परीक्षण और रचनात्मक परीक्षण। तो यहाँ सही उचित जो ऑप्शन होगा वो निर्धारात्मक परीक्षण को माना गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे, 86वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।